आप सुबह उठते हैं और आपके माउथ में एक हल्का सा डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, और जैसे जैसे दिन बीतता है बर्निंग सेंसेशन आपके माउथ में फील होने लगता है, मतलब कि आपके मुंह में एक जलन जैसी महसूस होने लगती है। या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि कभी कभी जलन महसूस होती है और कभी कभी अपने आप ठीक भी हो जाता है। और आपको अगर रीजन नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको बर्निंग माउथ सिंड्रोम नाम की एक दिक्कत है, वो हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द डेंटल ट्रैवलर ब्लॉग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बर्निंग माउथ सिंड्रोम होता क्या है। अगर आपको काफी लंबे समय से ये दिक्कत है, मुंह में जलन होने लगती है, ये क्रोनिक भी होता है और रिकरेंट भी हो सकता है, और आपको रीजन नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको बीएमएस की दिक्कत हो सकती है। बीएमएस क्या होता है? बर्निंग माउथ सिंड्रोम। जो बीएमएस की दिक्कत है, कभी कभी कुछ पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि अपने आप होने लगता है और अपने आप चला भी जाता है। ज्यादातर जो हमारे बीएमएस की जो दिक्कत है वो देखा गया है गम्स पे, लिप्स, चीक्स, टंग और रूफ ऑफ अ माउथ, मतलब कि पैलेट पे ज्यादातर देखा गया है। जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम की प्रॉब्लम है फीमेल्स में ज्यादातर पाई जाती है एज कंपेयर टू मेल। ज्यादातर जो फीमेल्स लगभग एज ग्रुप जो है 50-70 के बीच में जो फीमेल्स हैं उनमें ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम के। जो सबसे पहला सिम्टम होता है बर्निंग माउथ सिंड्रोम का, उसके नाम ही से आप पहचान सकते हैं, बर्निंग मतलब कि आपकी माउथ में जलन जैसा महसूस होता है, आपके गम्स, लिप्स, टंग, यहां तक कि पैलेट में भी जलन जैसा महसूस होता है। आपके टंग में नमनेस या टिंगलिंग जैसा महसूस होता है, जो कि कभी कभी होता है और कभी कभी अपने आप ही ठीक हो जाता है। जब भी आप कोई चीज सॉलो करते हैं तो आपको सॉलो करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब आप खाना खाते हैं तो खाने का स्वाद आपको नहीं मिल पाता है, मेटालिक टेस्ट जैसा फील होता है, यहाँ तक कि जो आपका सलाइवा का प्रोडक्शन है काफी कम हो जाता है और ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो जाती है। बर्निंग माउथ सिंड्रोम के कई सारे पैटर्न होते हैं, जैसा पहला पैटर्न ये होता है कि तो मॉर्निंग में हल्का सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट में ऐसा भी देखा गया है कि मॉर्निंग में जब वो उठते हैं तो आपको हल्का सा फील होता है लेकिन बाद में खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि जब भी उठते हैं तो पूरे दिन आपको मुंह में जलन महसूस होती है। चलिए अब हम बात करते हैं बीएमएस किस वजह से हो जाता है, कॉज की बात करते हैं। बर्निंग माउथ सिंड्रोम के दो कॉज होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम की, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई भी क्लिनिकल फाइंडिंग आपको दिखेगा ही नहीं माउथ में, मतलब कि कोई भी एबनॉर्मलिटी पेशेंट के माउथ में है ही नहीं, तो डॉक्टर जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये बीएमएस की दिक्कत हो जाती है। बहुत सारी ऐसे रिसर्च हुई हैं जिसमें ये बोला गया है कि जो ये प्रॉब्लम है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से हो जाता है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम की, तो ये मेडिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों को ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो जाती है, जीरोस्टोमिया की प्रॉब्लम होती है, तो बीएमएस की दिक्कत उनमें सबसे ज्यादा देखा गया है। कुछ ओरल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ओरल थ्रश, जिसे हम ओरल कैंडिडियासिस के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक फंगल इंफेक्शन होता है, बीएमएस की दिक्कत उसमें ज्यादातर देखा गया है। यहां तक कि लाइकन प्लैनस में भी यह प्रॉब्लम देखा गया है, और ज्योग्राफिक टंग, एक मैप लाइक अपीयरेंस होता है टंग के ऊपर, उसमें भी यह प्रॉब्लम देखा गया है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी यह प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि आयरन, जिंक, फोलेट, थियामिन, राइबोफ्लेमिन, कोबालामिन, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगला रीजन होता है खाने की वजह से, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड अगर आप खाते हैं या मसालेदार वाला खाना खाते हैं उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, मतलब कि जिसे हम बोलते हैं एसिडिक रिफ्लेक्स स्टमक में,
अगर ये प्रॉब्लम होती है तो इसकी वजह से भी आपको बीएमएस की प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और मेडिकेशन आप ले रहे हैं उसकी वजह से भी आपको बीएमएस हो जाता है, यहाँ तक कि डायबिटिक या हाइपोथायरॉयडिज्म में भी ये प्रॉब्लम देखा गया है। बीएमएस की दिक्कत जो है, अगर आप एग्रेसिव ब्रश करते हैं अपने टंग के ऊपर, उसकी वजह से भी हो जाता है। और यहाँ तक भी देखा गया है कि जो ये दिक्कत है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे माउथ वॉश आते हैं जिससे कि आप अपने माउथ को रिंस करते हैं, लेकिन ज्यादातर माउथ वॉश में अल्कोहल मिला रहता है जिसकी वजह से आपको बीएमएस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप अल्कोहल फ्री माउथ वॉश यूज करिए। अगर मैं डायग्नोसिस पार्ट की बात करूं तो ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है बीएमएस का जिसकी वजह से ये चीज पता लग जाए कि पेशेंट को बर्निंग माउथ सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। फिर आप पूछेंगे कि यार ये अगर टेस्ट ही नहीं है तो डॉक्टर को कैसे पता लगेगा। डॉक्टर आपसे जो है आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछेगा, आपकी मेडिकेशन पूछेगा, आप कौन कौन सी दवाइयां खा रहे हैं, कब से आपको ये प्रॉब्लम है, आपके ओरल कैविटी को अच्छे से एग्जामिन करेगा। डॉक्टर आपसे आपकी हैबिट के बारे में पूछेगा, आपके डाइट प्लान के बारे में पूछेगा और आपकी सिम्टम्स पूछेगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसकी बेसिस पे डॉक्टर जो है आपका ट्रीटमेंट करेगा। बहुत सारे ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि मैंने आपको रीजन बताए हैं, सेकेंडरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो अगर आप पेशेंट को ऐसी कोई दिक्कतें हैं तो डॉक्टर क्या करता है, उसका एक टेस्ट करवा लेता है। तो ये बगल में आपको कुछ लिस्ट दिख रही होंगी, तो ये टेस्ट आपको बीएमएस की प्रॉब्लम बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ट्रीटमेंट पार्ट है ना सेकेंडरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम का, क्योंकि ये आपके मेडिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोगों को ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है, ओरल कंडीशन जैसे कि आपको ओरल थ्रश या ओरल कैंडिडियासिस हो गया, लाइकन प्लैनस हो गया, जोरोफिक टंग की प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि आपको खाने से एलर्जी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, या फिर आपको गैस्ट्रो इसोफेजियल एसिडिक डिजीज की प्रॉब्लम है। अगर इतनी सारी मेडिकल कंडीशन है ना, तो इसका आप इलाज करवा लीजिए, प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की प्राइमरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम का, तो इसमें खास बात यह है कि इसमें कोई भी क्लिनिकल फाइंडिंग, कोई भी एबनॉर्मलिटी एक तो दिखाई तो देता नहीं है, तो लेकिन पेशेंट को प्रॉब्लम है। तो कैसे आप इसको ट्रीट करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, ध्यान से आप सुनिएगा क्योंकि ये आपको मदद करेगा आपकी प्रॉब्लम को कम करने में। सबसे पहला पॉइंट होता है आप एसिडिक फूड को अवॉइड कर दीजिए बिल्कुल। दूसरा आता है अगर आप अल्कोहल पीते हैं, है ना, शराब पीने की अगर आपको आदत है तो प्लीज उसको छोड़ दीजिए। यहां तक कि माउथ वॉश जिसमें अल्कोहल मिला रहता है अगर आप वो यूज कर रहे हैं प्लीज उसको भी छोड़ दीजिए, अल्कोहल फ्री माउथ वॉश यूज करिए। अगर आप दालचीनी खाते हैं, मतलब कि सिनेमोन खाते हैं या फिर मिंट खाते हैं, तो प्लीज उसको अवॉइड कर दीजिए। तंबाकू का सेवन अगर आप कर रहे हो तो प्लीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको बंद कर दीजिए। अगर आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है, सलाइवा कम बन रहा है, तो आप जो है शुगर फ्री चिंगम खा सकते हैं, उससे थोड़ा सा सलाइवा का प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। अगर पानी आप कम पीते हैं तो प्लीज ज्यादा पानी पीजिए, पानी पीने से आपकी जो ओरल कैविटी है काफी ज्यादा उसके अंदर मॉइस्चर होगा, अगर मॉइस्चर क्रिएट होगा तो ड्राई माउथ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, सूखापन आपका खत्म हो जाएगा और ये प्रॉब्लम भी आपकी लगभग खत्म हो जाएगी। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बीएमएस की प्रॉब्लम इससे भी बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से हो जाता है, ऐसा आप करिए, आप योगा कर सकते हैं या फिर ऐसी कोई हॉबी ढूंढ लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका मन लगा रहेगा तो आपकी दिक्कतें जो है ना, स्ट्रेस हो गई, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। अगर आप कहीं जाते नहीं है, एक ही कमरे में बैठे रहते हैं, अकेलापन आपको खा रहा है, तो प्लीज आपकी जो प्रॉब्लम है ना ये घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सोशली थोड़ा सा एक्टिव होइए, लोगों से थोड़ा सा मिलिए और बातचीत करिए, खुश रहिए। थोड़ी सी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। आइस मतलब कि बर्फ, उसको क्या करिए, मुंह में रख लीजिए या धीरे धीरे उसको चूसिए, जो ठंडा ठंडा आपको महसूस होगा ना, उससे आपका जो प्रॉब्लम है काफी हद तक कम हो जाए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स बर्निंग माउथ सिंड्रोम के। होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर यहां तक देख लिया है तो बिना लाइक किए मत जाएगा, शेयर कर दीजिएगा जितना ज्यादा हो सके। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और बिना सब्सक्राइब किए प्लीज मत जाइएगा, बेल आइकन दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक बाय बाय,
जय हिंद।